परम पूज्य संस्कारप्रेता ज्ञानयोगी आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज के पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मनसापूर्ण महावीर क्षेत्र पर संचालित सौरभ सागर सेवा संस्थान जीवन आशा हॉस्पिटल के द्वारा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नगर में दिव्यांग जनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करने हेतु एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमान शैलेश सक्सेना जी द्वारा जीवन आशा हॉस्पिटल का पूर्ण परिचय दिया गया, जिसका प्रसारण डीडी न्यूज चैनल पर किया गया। लगभग 2500 से ज्यादा ऐसे लोगों को जो कि किसी कारणवश विकलांग हो गए और अफोर्ड नहीं कर सकते थे कृत्रिम अंग, उनको इनकी संस्था ने और सही नाम रखा है जीवन आशा, उनके जीवन में नई आशा ला पाए उन कृत्रिम अंगों के कारण। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सौरभ सागर सेवा संस्थान आचार्य सौरभ सागर जी महाराज द्वारा स्थापित की गई एक संस्था, जिसको 2019 में शुरू किया था। पिछले 5 वर्षों में इस संस्थान ने करीब 2500 लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए हैं, और ये सभी लोग वो हैं जिनके पास किसी आय का स्रोत नहीं था या इतने पैसे नहीं थे कि बाजार में जाके अपने लिए कृत्रिम अंग खरीद सकें। उन सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और यही नहीं, उन लोगों को हम लोग हॉस्पिटल बुलाते हैं। 5 से 6 दिन 7 दिन का एक प्रोसीजर होता है, इसके अंदर हम पेशेंट को वहाँ रखते हैं, उसको फिर ट्रेन किया जाता है, उसे चलाया जाता है, उसकी मेंटल स्टेटस को सही किया जाता है और उसको इस काबिल बना के भेजा जाता है ताकि वो आगे जाके जिस काम में वो पहले था, अगर वो ना कर पाए तो कम से कम इतना मजबूत हो जाए कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए दो रोटी कमा सके, बेगर ना रहे। माननीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को जब इस संस्था के बारे में पता चला तो उन्होंने महाराज जी और ट्रस्ट के से निवेदन किया, क्योंकि हिमाचल में एक बहुत बड़ी समस्या है आर्टिफिशियल लिम्स, जिन लोगों के पैर कट गए हैं। हमने आज जैसे करीब 26 पेशेंट्स को यहाँ बुलाया था, इन 26 में से 17 पेशेंट ऐसे हैं जिनके पास आज तक किसी तरह का कोई पैर नहीं था। अब जब पैर यहाँ पे किसी को मिला ही नहीं है तो वो इस्तेमाल कैसे करेगा, या जो लोगों को पैर मिले वो 2-3 दिन के अंदर टूट गए, या वो उनसे खड़े नहीं हो पाए, चल नहीं पाए, और उसके बाद वो बेकार पड़े। माननीय मंत्री जी के इस प्रयास से न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे हिमाचल के जो दिव्यांग लोग हैं, जो किसी वजह से अपना पैर या हाथ खो चुके हैं, उनको जीवन में दोबारा चलने का मौका मिलेगा। ये मंत्री जी की बहुत बड़ा इनिशिएटिव है।